आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन विथ लिमिट। ठीक है, लिमिट का बात क्या हो रहा है यहां पर। सबसे पहला काम, अभी तक हम लोग जितना भी इंटीग्रेशन पढ़े थे वो इंटीग्रेशन क्या था, नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब है हम लोग पढ़े थे x टू दी पावर n dx का, क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, ये पढ़े थे। जैसे एक एग्जांपल ले ले, मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 dx, सबसे इजी क्या लिखा है, आंसर कितना आएगा x टू दी पावर 4 बाय 4 प्लस c, और c पता है हम लोग को क्या होता है, क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम लोग लिमिट पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि तीन नंबर को ऐड करो, क्या करना है, तीन नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो अब ऐड करेंगे कितना आएगा ये नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम लोग को नंबर ही नहीं पता, तो ऐड करेंगे कैसे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर आएगा सी। क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग को ये नंबर नहीं बताया जाएगा तब तक हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते, क्लियर। अब अगर हम नंबर बता दे, बोल दे कि तीन से लेके छह तक नंबर को ऐड करना है, तब समझ में आ गया, तीन से लेके छह तक ऐड करना, तो नंबर पता चल गया, तब आंसर तुम सी नहीं बोल सकता। तो यहां पर फिलहाल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह का सम है, ठीक है ना, सम ऐड करना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को नहीं पता है कितना से कितना तक ऐड करना, सिर्फ नॉर्मल एक वेरिएबल था, वैल्यू नहीं दिया हुआ इंटीग्रेशन में, यहां पर यहां नंबर लिखा होता है, जैसे लिख लेते हैं टू और थ्री, यानी कि टू से लेके थ्री तक क्या करना है, ऐड करना है, तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, हमेशा सी लगा रहे हैं। इसी को थोड़ा सा चेंज करके अब हम लोग जब देखेंगे, बात करेंगे हम लोग लिमिट के बारे में, तो लिमिट में जैसे लिखा रहेगा थ्री से लेके सेवन तक, तो यहां पे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स टू दी पावर थ्री डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर बाय फोर, सी नहीं लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके यहां सेवन और यहां पर थ्री लिख देंगे, क्लियर। अब क्या होगा, सेवन यहां पे पुट होगा, तो सेवन टू दी पावर फोर बाय फोर, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है थ्री, माइनस थ्री टू दी पावर फोर बाय फोर लोअर लिमिट, बस इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का एक नंबर में आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक्चुअली में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या बताता है, सम तो बोलते हैं मगर ये होता है कोई भी कर्व का, कोई भी कर्व का लिमिट दे दे, ये कर्व है, कर्व मतलब ये, जैसे x टू दी पावर 3 लिखा होता है, x टू दी पावर 3 एक तरह का कर्व बनेगा, कर्व में हम लोग जब ये लिमिट दे देते हैं और यहां x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा x की तरफ का। अगर यही चीज y होता, मतलब अगर यहां लिख रहा था dy, तो क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम इसका ये मान लेते कर्व था, इस कर्व का एरिया निकालते और लिमिट जो दिया हुआ था वो लिमिट y एक्सिस की तरफ आता, यानी कि यहां और ये एरिया निकलता किसका, y का, अगर क्या लिखा रहेगा dy लिखा रहेगा। अब dy वाला बात आ रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं यहां लिखा हुआ x नहीं, यहां y कर देते हैं, y टू दी पावर 2 dy लिखा हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y का पावर 3 बाय 3, और अगर लिमिट लगा रहता तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते, सिंपल सा है, ठीक है, ये हम लोग का लिमिट का छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एरिया के बारे में, एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें ये तीन में से कोई एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो फिलहाल क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया, लिखा गया फाइंड द एरिया बाय द सर्कल, मतलब एक सर्कल है, तो पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है, अब कैसे पता चला ये सर्कल है, सर्कल तो कोई भी हो सकता था, सर्कल यहां पे भी हो सकता था, सर्कल यहां पे भी हो सकता था, हमको नहीं पता है, तो ये क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर है, उसमें बताया गया था, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम है कि पता कैसे करेंगे कि ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, अगर फिगर पता चल गया तो अपने आप सब बन जाएगा। तो पहला काम यहां पर यह है फिगर पता करने का, कि अगर हम इसमें लिख दें एक्स का वैल्यू जीरो, क्या लिख रहे हैं, x का वैल्यू जीरो, एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, यहां लिख देते हैं x, यहां लिख देते हैं y, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, फिर y का वैल्यू जो आएगा वो लिखेंगे। अब x का वैल्यू जीरो लिखे तो y का वैल्यू क्या आया, सॉरी a आया, रूट ओवर a, मतलब a आएगा, रूट है ना उसके साथ, a आएगा, अगर हम प्लस माइनस a आया एक तरह से बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर y का वैल्यू जीरो लिखते हैं तो ये क्या आने वाला, प्लस माइनस a आने वाला है। तब सोचो अगर हमको x का वैल्यू जीरो लिए तो y का वैल्यू कितना आया, a आया, यानी कि यहां आया,
x का वैल्यू 0 लिया, y का वैल्यू a, और नेगेटिव भी आया तो नेगेटिव भी यहां पे होता है, क्लियर है। ये पॉइंट का नाम क्या होता है, 0, a, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0, माइनस है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद क्या बोला गया है, y वाला लेंगे, तो y वाला वैल्यू में अगर हम इसको 0 करेंगे y को, तो ये क्या बनने वाला है, a कॉमा 0, और यहां क्या बनेगा, 0, -a, -a, 0, क्लियर है, x एक्सेस y एक्सेस। अब देखो ये वाला जो है इसको अगर मिलाएंगे ऐसे, एक तरह का सर्कल बनने वाला, मतलब बहुत सारा पॉइंट आएगा, ठीक है, मगर हम लोग क्या है, ये क्या है, ये एक स्क्वायर वाला फॉर्म है, लीनियर नहीं है, लीनियर रहता ना तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं ऐसे, लीनियर होता तो, लीनियर नहीं है इसलिए क्या कर रहे, फ्री हैंड से मिलाएंगे कर्व बना के, और हम लोग को पता है ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है किसका, सर्कल का, और किसका, सर्कल का इक्वेशन है, जब ये सर्कल, अगर यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये होता है सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ a और b क्या है, a और b सेंटर को बताता है, a और b क्या बताएगा, सेंटर, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, यहां पर ये जो सेंटर है ये है a कॉमा b, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस है आर, मतलब इस सर्कल का इक्वेशन क्या है ये। अब सोचो अगर हम सेंटर को 0, 0 कर दे, तो 0, 0 करेंगे तो ओरिजिन में आ जाएगा, ओरिजिन आ गया, रेडियस, रेडियस देखो ये क्या है, ए, यहां से मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां से मैच कर रहा है, तो यानी कि रेडियस ऐसा और ये सर्कल बनेगा, क्लियर है। अब तो करना क्या है हम लोग को, यहां पे सबसे पहला काम, सर्कल तो मिल गया हम लोग को, अब एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिर्फ लिखा गया है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो यहां कुछ बोला नहीं है कि किसका एरिया निकालना है, तो अब ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा एरिया निकालेंगे। अगर लिख देता फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या लिखता, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर लिखता तो हम लोग समझ जाते चलो पहला क्वाड्रेंट का निकालना है, सेकंड क्वाड्रेंट बोलता सेकंड का निकालना है, मगर कुछ बोला नहीं तो क्या करेंगे, पूरा का निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरा का एरिया के बारे में बात करते हैं, यहां से अभी क्या बताया था, इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहां लिखा रहता था डी एक्स, इससे क्या फायदा होता था कि ये x की तरफ परपेंडिकुलर डालते थे, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहला या तो dx है या तो dy से। अब ये dx और dy में क्या बात हो रहा है, अगर हम यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, यहां से क्या वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना आने वाला है, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और रूट में, ये x का वैल्यू है। सेम चीज अगर y का निकालेंगे तो y का कितना होने वाला है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्लियर दो। अब देखो ये x का वैल्यू निकाले हैं तो किससे पुट करना चाहिए, इसमें, पूछो क्यों, क्योंकि यहां y है, ये भी y, सारा वेरिएबल y का फॉर्म में हो जाएगा, अगर हम यहां पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x का, तो यहां हम लिखेंगे y dx, इसमें क्या होगा y dx, बोलने का मतलब है y का वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, जब इसमें लिखेंगे तो यहां लिखेंगे x dy, क्यों, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे x का वैल्यू क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई, क्लियर है दो इक्वेशन। अब इसमें या तो इसको बनाओ या तो इसको बनाओ, मगर दिक्कत क्या है, हम लोग को लिमिट रहना चाहिए, बिना लिमिट का कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आएगा, लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है, देखो ये फिगर है, इस फिगर को पकड़ते हैं, ये फिगर में ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर पकड़ते हैं तो ये एक्स एक्सिस की तरफ, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा, यानी कि पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, अगर x की तरफ लेंगे तो क्या लेना होगा, 0 और 1, 0 और a, यानी कि 0 से a, और अगर y वाला पकड़ते हैं, y वाला पकड़ लेंगे तो क्या होगा, ये y वाला पॉइंट है यहां और यहां, ठीक है, तो यहां क्या लिखना होगा हम लोग को, 0 से a, मतलब दोनों में सेम चीज आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब या तो इसको सॉल्व करो या तो इसको सॉल्व करो, सेम चीज है, खाली x और y में क्या है, चेंज किया गया, ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है, पहला वाला से, तो पहला वाला से जब मैच कर रहा है तो लिख देते हैं, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है, सॉरी लास्ट वाला, थर्ड वाला से मैच कर रहा, थर्ड वाला फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखा गया, x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और ब्रैकेट क्लोज करके a और 0, a पुट करेंगे पूरा में, यहां a पुट करेंगे कोई फायदा नहीं, 0 छोड़ दो, यहां पुट करेंगे साइन इनवर्स 1 ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, दूसरा जब 0 पुट करेंगे तो यहां 0, कहानी खत्म, यहां 0 वो भी खत्म, नहीं कुछ करना। अब एक चीज ध्यान दो, अभी जब हम इंटीग्रेट किए तो सिर्फ एक पार्ट का एरिया आया,
मगर क्वेश्चन में क्या लिखा, कुछ लिखा ही नहीं था। तो हम क्या करने वाले, अगर इसको 4 से इंटू कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो क्या होने वाला है, पूरा एरिया निकल जाएगा। तो हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे, इंटू 4, ये 2 से काट देंगे, यहाँ 4 से इंटू हो गया 2a² sin inverse 1, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ये आंसर आने पर क्या करना है, एरिया है, क्या है ये एरिया, एरिया तो क्या होता है स्क्वायर यूनिट, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। आंसर कितना दिया हुआ बुक में, एग्जांपल नंबर 1 और 1 नंबर का आंसर पाई ए स्क्वायर। अच्छा, साइन इनवर्स का 1 का वैल्यू भी होता है ना, तो वो पुट कर देते हैं, ये है 2a² साइन इनवर्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2, 2 2 कटेगा तो बन जाएगा a² पाई। हाँ, ये सही आंसर है, स्क्वायर यूनिट, ये फाइनल आंसर हो गया हम लोग का क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल नंबर 1 का। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या लिखा गया, बोला गया है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, सेम क्वेश्चन है, इनक्लोज्ड बाय इलिप्स बोला गया। इलिप्स क्या है, x² / a² / y² / b² = 1। अब यहां पर बोला नहीं कि कौन सा क्वाड्रेंट का निकालना है, तो पूरा निकालेंगे। सबसे पहला का क्या करेंगे हम लोग, यहां से x या फिर y निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग जो भी बना रहे हैं x का फॉर्म में लेके बना रहे हैं, मतलब x की तरफ परपेंडिकुलर डाल के बना रहे हैं, तो यहां से y का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो bx² + a² y² / a² b² = 1, ये एलसीएम लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पता चला कि a² y² = a² b² - b² x² ये क्लियर हो गया। अब यहां से अगर हम ए स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो ये क्या है, a² b² b² a² और डिवाइड में चल जाएगा a², वो भी लिख लिया। तो यहां पे x² होगा। अब ये y का वैल्यू क्या होने वाला है, √a² b² - b² x² / a². अब रूट में पूरा है, ये पूरा रूट में है, तो हम यहां से नीचे वाला 1/a निकाल लिए बाहर, इसमें से b² यानी कि b बाहर निकाल देते हैं, बचेगा a² - x² यानी कि b/a √a² - x² ये बना y का वैल्यू। मतलब अब हम लोग जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक निकाल लेते हैं फिगर, फिगर के लिए क्या करना है x और y लिख लेना है। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा कंप्लीट 0, x का वैल्यू 0 रखे हैं, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू आने वाला है +-b, और y का वैल्यू 0 रखने पे +-a। यहां से अब इसका फिगर बनाते हैं, यहां फिगर देखते हैं, क्योंकि एलिप्स है, एलिप्स हमको पता है कैसा दिखता है एलिप्स, मगर यहां पे जिस फॉर्म में दिया गया है यहां एक कंडीशन नहीं दिया कि बी बड़ा है या ए बड़ा है, तो एलिप्स दो तरीका का हो सकता है, पहला ऐसा भी हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कोई एक ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको मैं हटा देते हैं। इसके हिसाब से x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा, b आएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का, y का वैल्यू 0 यानी कि b 0, इस पॉइंट को बोलेंगे -b, 0, ये वाला पॉइंट को बोलेंगे a, 0, ये वाला पॉइंट को बोलेंगे -a, 0। अब एरिया निकालना, एरिया कहां से, इस जगह से इस जगह का, यानी कि ये वाला एरिया निकालना। इस एरिया को कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन कौन सा, क्या लिखे थे, y लिखे थे, तो y dx, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहां पर लिमिट, लिमिट कौन सा आने वाला है, यहां से लिख रहे हैं तो a से b की तरफ, a से b ना, कुछ गड़बड़ हुआ है, यहां पे उल्टा लिख दिए क्या, ये वाला उल्टा लिख दिए, 0, b होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए 0, -b, इसीलिए यहां से क्या होगा, 0 से a तक जाएंगे, ये होगा 0 से a तक। अब बताओ y का वैल्यू तो ये है, इसको लिख लेते हैं, इसमें तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर कर देंगे, b/a (0 to a) y का वैल्यू है √a² - x² dx। अब ये फॉर्मूला किसके साथ, इसके साथ मैच कर रहा हूं वापस, तो जब इसके साथ मैच कर रहा है तो लिखेंगे तो क्या बनने वाला है, ये पूरा का पूरा आएगा लाइन, पूरा लाइन लिखने पर a पुट करना है, 0 पुट करना है, x की जगह पे a और फिर 0, तो पहले लिख लेते हैं, ये है b/a, इसमें इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करने पर आया है x/2 √a² - x² +
ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये है ए और जीरो। ए पुट करेंगे पूरा में, यहां पुट करेंगे जीरो, खत्म। यहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन वन। क्या बना यहां पे, ये बी बाई ए एज इट इज, ये बनेगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन। बस जीरो पुट करने पे सब जीरो हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। फिर से वापस देखते हैं, इसमें एक ए कट रहा है, ठीक है, काट दिए। क्या बचा हम लोग के पास, ए बी बाई टू, अरे ये क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो फाइनली आंसर होने वाला है ए बी पाई बाई फोर स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग का आंसर होगा। एक बार आंसर देख लेते, हम लोग क्या आंसर दिया हुआ है, पाई ए बी दिया हुआ है। अच्छा दिक्कत एक चीज और हो गया कि हम लोग चार से इंटू नहीं किया, फोर से मल्टीप्लाई करना है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग को निकालना है पूरा का, तो फोर से इंटू होगा बाहर में, यहां फोर लिख देंगे, यहां फोर, यहां फोर, ये फोर फोर कैंसल। तो फाइनल आंसर ए बी पाई स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर था एग्जाम्पल नंबर टू।